वाली जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे पास वीडियो है। आपने पुलिस को दे दी? हाँ दे दी जी, पुलिस को दे दी। पूरी पेन ड्राइव में दे दी मुझे, लेकिन कोई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, रोहतक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं कर रही, नहीं कर रहे। तो कह रहे गोलियां दे रही है, ऐसी गोलियां दे रही है, ऐसी वीडियो कौन सी है जिसमें वे गाली दे रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहे थे सरकार से। सिर्फ जब आप ये लोग बोल रहे थे कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है गाली, हाँ दे दी, वो कह रहे थे वो तो है ही नहीं। कल आप भी पर्चे बांट रहे थे, उन पर्चों में क्या था? उस पर्चे में ये लिखा गया था कि हमने 5 साल में क्या क्या किया, और उस बीवी बत्रा ने 5 साल में क्या किया। बीवी बत्रा से रोहतक की जनता ने जवाब मांगा था, जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा से हिसाब मांग रहा है, इसी प्रकार हम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बीवी बत्रा से सवाल मांगा था, जवाब मांगा था। विटनेस के सबूत के लिए हमारे पास जो रिकॉर्डिंग थी हमने उनको दी है, कई रिकॉर्डिंग है, उनके वहाँ कैमरे लगे हैं, वहाँ निकाल सकते हैं, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, इसी मांग के लिए हम बैठे हैं। ये कल शाम से पूरा घटनाक्रम चल रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स भी यहाँ तैनात की गई है। अब आरोप ये है कि इनका कहना है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनका ये कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने दोनों पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाया था, लेकिन फिलहाल तक इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि ये जो जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं ये काफी गंभीर है, इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अभी तक पुलिस के मुताबिक कोई सबूत नहीं मिल पाया कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। कैमरामैन साहिदा भट्ट के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज 18, रोहतक।